क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑप्शन ए C2-2 इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक. C2-2 कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन. 14 इलेक्ट्रॉन मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C2-2 does not contain any unpaired electron. So C2-2 is diamagnetic. ये statement correct है. B option. O2-2 is expected to have longer bond length. O2-2 का bond order 3 है. O2 का bond order 2 है. Bond order और bond length एक दूसरे के inversely proportional होते हैं. इसका मतलब O2-2 की bond length छोटी होगी और O2 की bond length बड़ी होगी. ये statement यहाँ पे गलत है. सी ऑप्शन. N2-2 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है और N2- का बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 है. यहाँ पे सी ऑप्शन में N2+ और N2- हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर. सही स्टेटमेंट है. डी ऑप्शन. H2+ हैज द सेम एनर्जी एज टू आइसोलेटेड हीलियम एटम. H2+ एक मोलिकुलर स्पीसीज है और हीलियम एक एटम है. और एक मोलिकुलर स्पीसीज और एक एटम की एनर्जी सेम नहीं होगी, तो स्टेटमेंट गलत है. तो आंसर बनेगा इसमें ए एंड सी. क्वेश्चन नंबर 33. इस क्वेश्चन में रिएक्शन हो रही है, X2 गैस से 2X गैस बन रहा है और इसमें हमें इनिशियली X2 का जो मोल गिवन है वो है 1 और इक्विलिब्रियम पर X गैस का जो मोल मिल रहा है दैट इज बीटा इक्विलिब्रियम. तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इक्विलिब्रियम पर X2 का मोल होना चाहिए 1-β equilibrium/2 और X का मोल हमें ऑलरेडी गिवन है बीटा इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर गिवन है 2 bar. तो अगर टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पर देखें तो एन टोटल आ रहा है 1+β equilibrium/2. अब हमें पता है कि KP होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ X का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 फॉर द रिएक्शन. तो हम X2 का अगर पार्शियल प्रेशर निकालें तो X2 का पार्शियल प्रेशर होगा X2 का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. तो X2 का मोल फ्रैक्शन हुआ X2 के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल और इनटू टोटल प्रेशर करें तो ये पार्शियल प्रेशर है. सिमिलरली X का पार्शियल प्रेशर आएगा X का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. तो अब जब हमें X2 और X का पार्शियल प्रेशर आ गया तो इक्विलिब्रियम पर हम रख सकते हैं X के पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर अपॉन X2 का पार्शियल प्रेशर और रख के सिंप्लीफाई करें तो आ रहा है दिस इज 8β equilibrium² / 4-β equilibrium. सो आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का बी. क्वेश्चन नंबर 34. अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन हमें बोल रहा है कि अगर हम टोटल प्रेशर डिक्रीज करते हैं इन दैट केस मोल्स ऑफ गैस एक्स फॉर्म होंगे. तो अगर भाई टोटल प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो लीच एटलीस्ट प्रिंसिपल से देखें तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर टोटल मोल्स इंक्रीज हो और टोटल मोल्स गैस के फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं. इसलिए अगर हम टोटल प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए. या हम ये भी देख सकते हैं कि टोटल प्रेशर अगर डिक्रीज करते हैं इन दैट केस हमें क्यू की वैल्यू <K/P नज़र आएगी और Q <K/P है तो भी हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन मूव करनी चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इसी तरह ऑप्शन अगर बी देखें तो बी बोल रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन डिसोसिएशन ऑफ गैस X2 टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली. तो अगर एट द स्टार्ट हम बात करें तो T=0 पर रिएक्शन कोशेंट क्यू की वैल्यू 0 है और क्यू की वैल्यू 0 है तो हमें दिख रहा है कि ∆G इस केस में नेगेटिव है और ∆G अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. ठीक है, तो हमारा ए बी ऑप्शन करेक्ट है. सी ऑप्शन में दिया है कि बीटा इक्विलिब्रियम = 0.7. नाउ अगर चेक करें हम केपी की वैल्यू जो क्वेश्चन नंबर 33 में निकाली थी तो बीटा इक्विलिब्रियम अगर उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमें दिख रहा है कि केपी होना चाहिए >1 जबकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ∆G0 की वैल्यू पॉजिटिव है और ∆G0 अगर पॉजिटिव है तो हमें पता है कि ये −RTln Kp के बराबर होना चाहिए. इट मीन्स KP should be less than 1. तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग KP should be less than 1 बट इस ऑप्शन में नज़र आ रहा है कि KP should be greater than 1 तो इसलिए ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट है. इसी तरह अगर डी देखें तो डी में KC is less than 1 तो डी ऑप्शन में हम चेक करें अगर तो हमें पता है कि KP = KcRT to the power ∆NG.
तो अगर इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि केपी लेस देन वन है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है कि केसी भी कैलकुलेशन में लेस देन वन आएगा. तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज सी. सो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सी. क्वेश्चन 35 एंड 36 आर रिलेटेड टू अ पैराग्राफ विच इज हैविंग अ कंपाउंड ओ विच इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एच प्लस केमेनोफोर इनटू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड थैलिक एसिड. ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया थैलिक एसिड प्रोड्यूसेस अ डाइअमाइड. द डाइअमाइड देन अंडरगोज हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस ऑर्थोफेनिलीन डाइअमीन. दिस डाइअमाइड on heating produces thalamide which undergoes Gabriel's thalamide synthesis. On hydrolysis it produces alanine. So the answer of 35 is A and answer of 36 is B.